समा नगर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहां के लोग बहुत ही दयालु और नेक विचार के थे। उन्हीं गांव में एक सुंदरी नाम की लड़की भी रहा करती थी, जो कि दिल की बहुत अच्छी थी। हमेशा वो गरीबों की मदद करती और अनाथों का सहारा बना करती थी। एक दिन उसके पास रूपा आती, जिसे वो अपनी प्यारी छोटी बहन की तरह रखती। रूपा उसे अपनी दुख भरी कहानी बताई थी, इसलिए सुंदरी उसे अपने साथ घूमने फिरने लेके जाया करती थी। एक दिन जब वो लोग सुंदर वन वाली नदी के पास खड़े थे, तभी वो लोग को एक दो सर वाली चिड़िया दिखाई देती है, जो कि बहुत ही अनोखी चिड़िया रहती है। उस चिड़िया को देख वो लोग मोहित हो जाती और उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। ये चिड़िया यहाँ नदी के पास अचानक कहाँ से आ गई। रूपा तो घबराए पीछे रहती और कहती, सुंदरी दीदी, कहीं ये कोई भूत तो नहीं ना? सुंदरी कहती, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने दो, चिड़िया बहुत ही प्यारी है। थोड़ी देर देखने के बाद सुंदरी उससे पूछती, कौन हो तुम और क्यों यहाँ आई हो? मुझे तो तुम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दिखाई नहीं दी थी। चिड़िया कहती, मैं रूपा की माँ और भाई दोनों हूँ, हम दोनों एक साथ हैं, इसलिए हमारा दो सर है। तभी वो लोगों को यकीन नहीं होता। ये बात सुन छोटी बच्ची रूपा अपने आँखों में आंसू लिए रोने लगती। उसे अपनी माँ और भाई की याद आ जाती, जो घटना पिछले महीने उसके साथ घटी थी, वो घटना को अब तक वो छोटी बच्ची भूल नहीं पाई। वो कहती, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरी माँ और भाई हो, मुझसे अब मजाक मत करो। देखते ही देखते वो एक पिशाचनी का रूप लेती। उन दोनों से वो कहती, मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसे अपना शिकार बना सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी। तुम दोनों को मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपना इस रूप में नहीं आ रही थी। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे इस रूप में देख घबरा जाओगी। उसका ये रूप देख सुंदरी और रूपा डर से वहीं सुन्न खड़ी हो जाती। तभी वो पिशाचनी कहती, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं तो वो बदला नहीं ले पाई, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाग्यवान मानती हूँ कि तुमने मेरी बच्ची का सहारा दिया, मेरे गुजर जाने के बाद इसे संभाल के प्यार से रखा। सुंदरी को ना ही अपने कानों पे यकीन होता, ना ही आँखों पे जो वो देख रही थी। वो उससे कहती, देखो आपकी जो दिक्कत है मुझे बताओ, आपके साथ क्या हुआ था मुझे बताओ, मैं आपके मरने के बाद आपको इंसाफ दिलाऊंगी, मुझे पता चलेगा तभी मैं कुछ मदद कर पाऊंगी। मैं इस गांव की मुखिया की बेटी हूँ, मैं सबको अपने घर पे जुटाऊंगी और आपकी दुख भरी कहानी बताऊंगी। तभी वो पिशाचनी रोते हुए कहती, मुझे मुक्ति भी चाहिए, भटक रही है मेरी आत्मा, और मेरी बच्ची को इतने अच्छे हाथों में देख मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बच्ची का हमेशा ख्याल रखना। सुंदरी के ज़्यादा जिद करने पे वो पिशाचनी बताने को तैयार हो जाती कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कहती, सुंदर वन पहाड़ियों के पीछे बहुत ही खूबसूरत सा एक गांव सुंदरपुर था। सुंदरपुर गाँव के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा तो अच्छे बनने का नाटक करते थे, पर ये बात रूपा की माँ को सीमा को नहीं पता था कि एक दिन वही गाँव वाले उसके साथ धोखा करने वाले हैं। एक दिन सीमा शहर से अपनी बेटी रूपा के साथ काम करके लौट रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तभी वो अपने घर के बाहर बंकू को नहीं पाती। उसका बेटा बंकू हर रोज उन लोगों का इंतज़ार अपने झोपड़ी के बाहर किया करता था। वो लोग उस दिन सन्नाटा पसरा देख सोचती कि शायद आज बंकू थक चुका होगा, इतना वो तो ध्यान नहीं देती। अब जल्दी जल्दी से खाना बनाने में वो लग जाती, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। बंकू चुपचाप आके पीछे बैठा हुआ था, उससे रूपा बातें भी कर रही थी। बंकू ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था और कह रहा था, माँ कल से आप मुझे छोड़ के मत जाना। उसकी माँ सीमा कहती, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे घबराया क्यों है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी?
वो अपने बेटे पे काम की वजह से ध्यान नहीं दे पाती, पर उसका बेटा बहुत ज़्यादा घबराया और डरा हुआ था। उसे वो खाना खिलाने लगती कि शायद भूख से ये ऐसे कर रहा है। रूपा अपने भाई से भी बहुत प्यार किया करती थी। हम तीनों परिवार एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। ना जाने किसकी नज़र हमारे परिवार पे लग गई। गांव वालों की नज़र तो हमारे पैसे पर ही थी। हम दोनों माँ बेटी शहर से धन कमा के लाया करते थे, इसलिए वो लोग हमसे जलते थे। देखते ही देखते वहाँ कोई शोर शराबा सुनाई देता और वहाँ गांव वाले आ जाते। गांव वालों को देख बंकू फट से घर के अंदर भागता दौड़ते हुए। उसके पीछे पीछे रूपा गई थी, इसलिए रूपा को नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ था। गांव वाले वहाँ बन के आते सीधा साधा इंसान, और वो लोग मुझसे मेरा झोपड़ी और मेरा धन मांगते। मैं कहती, आप लोग तो कितने अच्छे थे भाई साहब, दीदी, पर वो लोग हंसते और कहते, अच्छा ही गया भाड़ में, हम लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, तुम माँ बेटी शहर से कमाकर इतने अच्छा से अपना घर चला रही हो, तो क्यों ना तुम लोग मेरी भी घर चला दो। धीरे धीरे करके सब बोलने लगते, हाँ हाँ मेरी भी, हाँ मेरी भी घर चला दो। तभी वो कहती, आप लोग ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव वाले जोर से हंसते और कहते, हमें तुम्हारा झोपड़ी चाहिए और तुम्हारे महीने का सारा पैसा चाहिए। जो भी तुम कमाती हो ला के हमारे हाथ में चुपचाप दे दिया करो, हम लोग अपने हिसाब से तुम्हें वो पैसा देंगे। ये सुन के तो सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती। इतने अच्छे बनने वाले उसके गांव वाले ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। वो हंसते हुए कहते, आज तो तुम्हारे बेटे को तुम्हें धमकाने के लिए सिर्फ सुबह में मारा पीटा है, अगर तुम नहीं देती पैसा तो जान से मारने में समय नहीं लगेगा। सीमा को अब समझ आती कि उसका बेटा बंकू क्यों घबराया हुआ था जब से वो आई थी, और ना ही कुछ बोल रहा था, इसलिए वो इन गांव वालों को देख झट से घर के अंदर भाग गया था। सीमा कहती, मैं जिस साहब के घर काम करने जाती हूँ उनके घर तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। ये बात सुन गांव वाले और आग बबूला हो जाते और सीमा को जान से मारने का धमकी देते हुए ये कहते, आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या तुम अपना पैसा सारा हमें दोगी, और जवान बंद करके रखो वरना इस गांव में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सीमा भी जिद्दी थी, उसे डर के नहीं रहना था, क्योंकि वो सोच रही थी अगर आज वो डर के हाँ कह देती है तो फिर ये लोग उसे और परेशान करेंगे। सीमा के ना कहने पे वो गांव वाले उसके पास जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। सुंदरी और बंकू को भी मारते, पर सुंदरी बेहोश हो जाती, उन्हें लगता कि मर गई है और वो बच जाती, इसलिए सुंदरी को कुछ याद नहीं था। मुखिया की बेटी सारे गांव वालों को केस करके जेल के अंदर कर देती और इसे इंसाफ दिलाती।